हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द यूरेनियम सेल स्टॉक एट द एडवांस स्टेज। रिसेंटली देर ओवर द अभी अफवाह फैली थी कि जो यूरेनियम सप्लाई है वो डिले हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो कोलिंग ऑस्ट्रेलिया की जो कोलिंग कोल माइनिंग जो सेक्टर है वो लोग प्रोटेक्ट कर रहा है उसके इंटरेस्ट को। द एलिगेशन हैज बीन डिसमिस बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटिंग दैट डिस्कशन आर एट वेल एडवांस स्टेज ऑफ फॉर द ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम सेल्स टू इंडिया। जुलाई की जो मध्य में जो है सैंपल ऑफ यूरेनियम वॉज सेंट फॉर टेस्टिंग पर्पज एंड वट इज द समरी और ऑफ जो ये ऑन गोइंग कॉमर्शियल डिस्कशन है ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम एक्सपोर्टर के बीच में और इंडियन डिपार्टमेंट एटोमिक एनर्जी है जो अपना जो इसको मतलब जो यूरेनियम से रिलेट करता है जो व्यापार करता है उसका फॉर पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट विद सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए। जो अमाउंट है अल्टीमेटली एक्सपोर्टेड विल डिपेंड ऑन द कॉमर्शियल नेगोशिएशन। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो इसकी सिग्निफिकेंस है से कम हेड द ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीक इन इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीक इन इंडिया माइनिंग सेक्टर विल बी द की फोकस एरिया एंड इंडिया इज ए लुकिंग एट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल टू पावर इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है और ऑस्ट्रेलिया का 40% है जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का यूरेनियम पावर वर्ल्ड का 40% रिजर्वेशंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और एक्सपोर्ट करता है 7,000 टन ऑफ द येलो केक हर साल। और ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस वीक है ऑस्ट्रेलिया बिजनेस वीक इन इंडिया द सेकेंड ऑस्ट्रेलिया बिजनेस वीक इन इंडिया अभी टेक प्लेस होगा मल्टीपल सिटीज में होगा 28 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर तक होगा न्यू दिल्ली स्टार्ट होगा। और इंडिया इज ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया जो है इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वहाँ का और ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया की जो मैकेनाइज है सर्विस एक्सपोर्टर वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 13.5 बिलियन है 2015 में थी जो। और ये ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीक इंडिया के अंदर ये क्या करेगा क्या काम हो इसका ये प्रमोट करेगा ऑस्ट्रेलियन कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा ऑस्ट्रेलियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन रिलेशनशिप विद इंडिया। प्रोग्राम इसका फीचर क्या होंगी ये 5 सेक्टर स्पेसिफिक होगा। सबसे पहले एग्री बिजनेस के रिलेटेड होगा, हायर एजुकेशन रिलेटेड होगा, माइनिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एंड सर्विस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफ साइंस एंड द डिजिटल हेल्थ। सो रिपीट, फर्स्ट एग्री बिजनेस से होगा, हायर एजुकेशन से होगा, माइनिंग इक्विपमेंट से होगा, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, लाइफ साइंस एंड डिजिटल हेल्थ से होगा। एम क्या है इसका, एम है ऑस्ट्रेलिया जो टू प्रमोट द ऑस्ट्रेलियन कैपेसिटी एंड एक्सपेंड द ऑस्ट्रेलियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन रिलेशन इंडिया के साथ में। और सेकंड क्या है इंडिया, वाई द इंडिया, द इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द रिकॉर्डिंग 7.3% ग्रोथ इन 2015 and 2016 एंड हम कह सकते हैं कि तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है 2013 के अंदर। और कंट्री ग्रोथ ड्राइन बाय द वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट एंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, द डोमेस्टिक कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। तो ये बेनिफिट है, तो हम अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको पूरी न्यूज़ को। इसमें क्या है हमें पढ़ा है यूरेनियम से रिलेटेड है, यूरेनियम और इंडिया के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यूरेनियम का सप्लाई जो इंडिया उसको करेगा, इंडिया अपना जो वहाँ से इंपोर्ट करेगा यूरेनियम को, तो उसके से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इंडिया की टॉप लेवल पर डिस्कशन हो रही है, ये पूरी की पूरी कॉमर्शियल डिस्कशन है। और यहाँ इंडिया की एजेंसी है जो न्यूक्लियर एनर्जी है अपनी डिस्कशन, और वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है उन दोनों के बीच में एक हाईएस्ट लेवल पर बात हुई है। तो उस दोनों के साथ में दोनों की एटॉमिक एनर्जी है जो इंडिया की इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उसमें न्यूक्लियर सिविल प्रोजेक्ट के लिए यूरेनियम का हम यूज़ करेंगे और वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड का 14 लार्जर वर्ल्ड का यूरेनियम जो वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का 7,000 टन येलो केक एनुअल यूज करता है। और अभी ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीक इंडिया के अंदर मनाया जाएगा 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पूरे स्टार्टिंग होगी इंडिया से। और 5 प्रोग्राम इसमें हैं जिसमें फोकस किया जाएगा, फर्स्ट होगा एग्री बिजनेस, सेकंड होगा एजुकेशन, थर्ड होगा हमारा माइनिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, फोर्थ होगा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिफ्थ होगा लाइफ साइकिल एंड डिजिटल। इसका एम क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ जो ट्रेड है, एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट है, रिलेशनशिप को मजबूत करना और प्रमोट करना। इंडिया वाई इंडिया, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड की 7.3% ग्रोथ 2015-16 वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और 2030 तक पूरे वर्ल्ड की 13 वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है 2030 के अंदर 2030 तक। और यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन से जो यंग पॉपुलेशन है जो काम करती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एजुकेशन के अंदर। वेरी थैंक यू। अगर आपको इस
टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।